चलो भाई सारे मजदूर खाना खा लो, खाने का वक्त हो गया। आओ भाई सारे खाना खाते हैं। तुम सब क्यों रुक गए हो यार? नमाज का वक्त हो गया, पहले नमाज पढ़ते हैं। यार भूख ज्यादा लगी हुई है, पहले खाना खा लेते हैं। नहीं यार, पहले नमाज पढ़ते हैं फिर खाना खाएंगे। चलो यार पहले नमाज पढ़ते हैं। चलो ठीक है। एहसन भाई। जी भाई क्या बात है? एहसन भाई आप जाओ, मैं अभी आ रहा हूँ। ठीक है भाई, जल्दी आना। बस मैं अभी आ रहा हूँ। शुक्र है वो चले गए, मुझे तो बहुत भूख लगी थी। पहले खाना खा लेता हूँ, उसके बाद नमाज पढ़ने जाऊंगा। बहुत भूख लगी है। लगता है मुझे फिर दिल का दौरा पड़ने वाला है। यार इसको क्या हुआ? चलो देखते हैं। ओनी भाई। मुझे लगता है इसे फिर दिल का दौरा पड़ा है। ओनी भाई उठो क्या हुआ? ये तो मर गया है। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो का मकसद आपको सिर्फ एक्टिंग दिखाना नहीं था, बल्कि हमारा मकसद उन भाइयों को राय हक पर लाना था जो गफलत में डूबे हुए हैं और दुनिया की महफिलों और ऐशो इशरत में खोए हुए हैं। ये दुनिया फानी है, हर इंसान को वापस लौटकर अल्लाह ही के पास जाना है। इंसान को अपनी सांसों का कुछ पता नहीं है कि कब उसकी सांसें रुक जाएं। इस दुनिया में कितने इंसान आए और चले गए, हमारी असल जिंदगी तो मौत के बाद शुरू होगी। प्यारे दोस्तों, हमें आखिरत की तैयारी करनी चाहिए, इसलिए हमें अपने अमाल को अच्छा बनाना होगा। प्यारे दोस्तों, दुनिया की महफिलों में इतना गुम ना हो कि अल्लाह की याद से ही गाफिल हो जाओ। दोस्तों, मौत का कुछ पता नहीं है कि कब मौत आ जाए, इसलिए हमें हर वक्त मौत को याद रखना चाहिए और हमें चाहिए कि मरने से पहले अपने अमाल को अच्छा बना लें,
ताकि कब्र की सख्तियों और जहन्नम की आग से खुद को बचा लें। जजाक अल्लाह। आपसे गुजारिश है कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आपके शेयर करने से लाखों मुसलमान भाई इस वीडियो से सबक हासिल कर लें। जब तक ये वीडियो शेयर होती रहेगी तब तक आपको भी सवाब मिलता रहेगा। आपसे गुजारिश है कि हमारे पेज को फॉलो करें और हमारे यूट्यूब चैनल छोटे शहजादे को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।